हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट की पेपर वन की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 19 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 18 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक और बाकी सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए वहाँ से जाके सारी लेक्चर बाय लेक्चर सारी सीरीज को अच्छे से देखिए सो दैट आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो सके। कमिंग टू आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स। ठीक है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केल क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्केल क्या होती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये सब सीखा था, राइट। आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स क्या होती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा 20th लेक्चर, उसमें हम देखेंगे नॉन कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके रिसर्च एज अ सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं गए हैं, बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है, मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55% के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट एंड मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है उन सब के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स आती है, लेक्चर से रिलेटेड भी कोई भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से शेयर करती हूँ। तो जाइए उस चीज़ का भी वहाँ से जाके बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि है ऑन स्केलिंग टेक्निक्स। अब स्केलिंग टेक्निक समझने से पहले पहले तो हमें समझना पड़ेगा स्केलिंग होता क्या है, राइट। स्केलिंग एज अ टर्म क्या है, तो स्केलिंग बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ जेनरेटिंग द कंटिन्यूम, अ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज अपॉन विच द मेजर्ड ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस। स्केलिंग क्या है, स्केलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, कंटिन्यूस सीक्वेंस में कुछ वैल्यूज को प्लेस कर लेते हो और उन वैल्यूज के बीच में ही आप किसी चीज को मेजर कर लेते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग में बेसिकली क्या होता है, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक रेंज सेट कर लेते हो, एक सीक्वेंस सेट कर लेते हो, जो सीक्वेंस कैसी रहेगी, कंटिन्यूस वैल्यूज की सीक्वेंस रहेगी और उस स्केलिंग को यूज करके आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली मेजर करते हो। अब टोटल आपके सामने कितनी स्केलिंग टेक्निक्स दी हुई है, बेसिकली दो स्केलिंग टेक्निक्स होती है। कितनी स्केलिंग टेक्निक्स होती है, बेसिकली बेसिकली होती है आपकी दो स्केलिंग टेक्निक्स। कौन सी है वो दो स्केलिंग टेक्निक, सबसे पहली पहली है कंपेरेटिव स्केल्स, दूसरी होती है नॉन कंपेरेटिव स्केल्स। दो ही टाइप की स्केलिंग टेक्निक्स है आपके पास, फर्स्ट है कंपैरेटिव, सेकेंड है नॉन कंपैरेटिव। आज का जो लेक्चर रहेगा वो किसके ऊपर फोकस्ड है, वो पूरा का पूरा फोकस्ड है इसके ऊपर, कंपैरेटिव स्केल्स के ऊपर। जो इसके बाद वाला नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपके साथ नॉन कंपैरेटिव स्केल्स को डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो कमिंग टू कंपैरेटिव स्केल्स, समझते हैं इस लेक्चर में कंपैरेटिव स्केल्स है क्या, कौन कौन सी कंपैरेटिव स्केल्स हैं वो सब देखते हैं, राइट। अब कंपैरेटिव नाम से क्लियर है, जहाँ पे आप कंपेयर कर सको टू और मोर वेरिएबल्स को, राइट। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपके स्टडी में कुछ दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स है, अगर आपको उनको कंपेयर करना है आपस में तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप कंपेरेटिव स्केल्स का यूज करते हो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ठीक है, और प्रोडक्ट सी, तीन प्रोडक्ट है। अब मुझे क्या करना है, मैं शॉपिंग करने गई हूँ, मुझे इन तीनों में से कोई एक ही खरीदना है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, तीनों को कंपेयर करूंगी, ए बी और सी को, तीनों में से जो बेस्ट होगा मैं वो एक अपने घर के लिए लेके आ जाऊंगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली कंपेयर करूंगी। हो सकता है मैं उनकी क्वालिटी को कंपेयर करूँ, उनकी प्राइस को कंपेयर करूँ, हो सकता है मैं उनके पैकेजिंग को कंपेयर करूँ, राइट। तो वो सब क्या है, क्वालिटी, प्राइस और बाकी सारी चीजें, पैकेजिंग वगैरह, ये तीनों गुड्स की क्या है, ये तीनों गुड्स की, ए बी सी प्रोडक्ट की क्या है, ये वेरिएबल्स है, राइट। तो जब भी आप दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में उनके वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कंपेरेटिव स्केल्स कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंपेरेटिव स्केल्स के केस में डायरेक्ट कंपेरिजन होता है ऑफ स्टिमुलस
ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें अफेक्ट करेंगी आपके परचेजिंग डिसीजन को, उन सब चीजों के बीच में क्या होगा, एक डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। यानी कि सपोज प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी का प्राइस आपको अफेक्ट करेगा, है ना। आप कोई चीज परचेज करते हो तो बट ऑब्वियसली आप उस चीज का प्राइस देखोगे, क्वालिटी देखोगे, है ना, क्वांटिटी देखोगे वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल्स है। जब इन सब चीजों को आप डायरेक्टली तीनों चीजों में कंपेयर कर रहे हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ऐसे टाइप में ही हम उसे बोलते हैं कि हम कंपैरेटिव स्केलिंग को यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो उन चीजों का जो स्टिमुलस है। आपका परचेजिंग डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन सब वेरिएबल्स के ऊपर। तो ये सब वेरिएबल्स आपके लिए क्या बन गया, एक स्टिमुलस बन गए, ठीक है। और कंपेरेटिव स्केल्स का ही दूसरा नाम क्या है, कंपेरेटिव स्केल्स का ही दूसरा नाम है नॉन मेट्रिक स्केल। दूसरा नाम क्या है, पेपर में आपसे हो सकता है कंपेरेटिव स्केल बोले, हो सकता है नॉन मेट्रिक स्केल बोले, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बात एक ही है। कंपेरेटिव बोले नॉन मेट्रिक बोले बात तो एक ही है, राइट। आई होप कंपेरेटिव स्केल क्या है, कंपेरेटिव स्केलिंग क्या है, ये क्लियर है अच्छे से, राइट। बेसिक मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी अभी तक, राइट। कमिंग टू अब डिफरेंट टाइप की कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स है, कौन कौन सी टाइप की स्केलिंग टेक्निक्स है कंपेरेटिव में। सबसे पहली पहली है पेयर्ड कंपेरिजन, सेकेंड है रैंक ऑर्डर, थर्ड है कॉन्स्टेंट सम। अब ये तीनों क्या है, एक एक करके देखते हैं, सो दैट हमारा कंपेरेटिव स्केलिंग का जो टॉपिक है ये तीनों डिस्कस कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तीनों ही कौन से टाइप की स्केलिंग टेक्निक है, तीनों ही कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स है। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या है। सबसे पहली पहली स्केलिंग टेक्निक कौन सी है, सबसे पहली पहली आपकी स्केलिंग टेक्निक है पेयर्ड कंपैरिजन। अब पेयर्ड कंपैरिजन में क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने दो वेरिएबल्स होंगे फ्रॉम विच द रिस्पोंडेंट नीड टू सिलेक्ट वन। आप एज अ रिस्पोंडेंट सपोज आप किसी रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको बोलता है कि आप सपोज कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप ए ब्रांड का करते हो कि बी ब्रांड का करते हो, राइट। तो वो आप कैसे डिसाइड करते हो कि मैं प्रोडक्ट ए को परचेस करती हूँ कि प्रोडक्ट बी को परचेस करती हूँ, वो आप डिसाइड करते हो जब आप उन दोनों प्रोडक्ट के क्या करोगे, वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करोगे और कंपेयर करके आप किसी एक चीज को दोनों में से सिलेक्ट करते हो एज अ प्रोडक्ट फॉर योर परचेस। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम पेयर्ड कंपेरिजन कहते हैं। दिस टेक्निक इज मेनली यूज एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट टेस्टिंग। जब नॉर्मली कंपनीज को क्या करना होता है, जब कंपनीज को अपनी प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी होती है तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज आपको पेयर्ड कंपैरिजन देती है कि सपोज मैं कोई न्यू ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक सपोज मैं लॉन्च कर रही हूँ मार्केट में, ठीक है, मैं न्यू कंपनी हूँ जो क्या कर रही हूँ एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च कर रही हूँ सपोज मार्केट में, तो डायरेक्टली तो लॉन्च नहीं करूंगी, पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं प्रोडक्ट की टेस्टिंग करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, लोगों को जाके मॉल वॉल में या जिधर भी मुझे सही जगह मिलेगी मैं लोगों को बोलूंगी कि आप रेडबुल पियो और मेरा एनर्जी ड्रिंक पियो, बताओ दोनों में से कौन बेटर है, राइट। तो उससे क्या होगा, एक कंपेरेटिव एनालिसिस हो जाएगा दोनों प्रोडक्ट का ऑफ टू मेजर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। आपके मार्केट में जो भी मेजर प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी टेस्टिंग बहुत ही इजीली पॉसिबल हो सकती है पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक से, ठीक है। आई होप पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक क्या है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इजी सी टेक्निक है बट बहुत ही रेलेवेंट है, स्पेशली कहाँ पे, स्पेशली प्रोडक्ट टेस्टिंग के केस में। यानी मैं बोलूँ एक हिसाब से मार्केटिंग रिसर्च के केस में, किस केस में, मार्केटिंग रिसर्च के केस में आपकी पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक बहुत ही ज्यादा यूज होती है, ठीक है। आई होप पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक क्या है, ये कंपेरेटिव स्केल में क्यों आती है वो क्लियर है, ठीक है। कमिंग टू सेकेंड पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक, सेकेंड कंपैरिजन टेक्निक सॉरी, जिसका नाम है रैंक ऑर्डर। अब नाम से क्लियर है, यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑर्डर में रैंकिंग के हिसाब से उनको ऑर्डर में अरेंज कर दोगे, राइट। इन रैंक ऑर्डर स्केलिंग द रिस्पोंडेंट्स नीड टू रैंक और अरेंज द गिवन ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रेफरेंस। आपको क्या दे दिया जाएगा, सपोज मैं आपको बोलूं कि ये प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब आप इन पांचों प्रोडक्ट्स को क्या करो, रैंक करो इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस। इन पांचों में से आपको प्रोडक्ट कौन सा क्या ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा कम अच्छा लगता है, उस हिसाब से आप क्या करो, इसको अरेंज करो। तो सपोज आपने क्या कर दिया, आपने बोला बी डी ई ए सी, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, आपने इस ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, तो उसे हम बोलते हैं रैंक ऑर्डर
टेक्निक, राइट। ये हम नॉर्मली कब यूज करते हैं, जब भी आप कुछ परचेज करने जाते हो, आप क्या करके जाते हो, अगर सपोज मैं परचेज करने गई हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है, मैं मार्केट से क्या परचेस करने गई हूँ, मिल्क, ठीक है। अब मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, अपने घर के लिए अमूल का मिल्क यूज करती हूँ, लेकिन अमूल नहीं है, अगर अमूल आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो सपोज दूसरी एक ब्रांड है महानंदा, ठीक है, वो अवेलेबल रहती है हमारे यहाँ पे, तो मैं वो ले लूंगी, है ना। या जैसे ब्रेड का एग्जाम्पल ले लूँ, है ना, तो ऐसे क्या है कुछ लोकल चीजें, कुछ चीजों में या मेजोरिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के केस में आप क्या करते हो, एक सीक्वेंस बना के रखते हो कि ठीक है ये नहीं तो ये, वो नहीं तो वो, ऐसे करके आप एक सीक्वेंस के हिसाब से उनको अपने माइंड में ही रैंक ऑर्डर कर लेते हो, राइट, ठीक है। आई होप रैंक ऑर्डर स्केलिंग टेक्निक क्या है वो क्लियर है। कमिंग टू थर्ड एंड लास्ट कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक, जिसका नाम है कॉन्स्टेंट सम। अब ये भी अपने नाम से काफी हद तक क्लियर है। इस टेक्निक में क्या होता है, रिस्पोंडेंट्स को असाइन किया जाता है विद द कॉन्स्टेंट सम ऑफ यूनिट्स, सच एज 100 पॉइंट्स टू एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट टू रिफ्लेक्ट देयर इम्पोर्टेंस। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको एज अ रिस्पोंडेंट क्या दिए जाते हैं, सपोज आपको 100 पॉइंट्स दे दिए और बोला कि अब इस प्रोडक्ट के जितने भी फीचर्स है, जितने भी एट्रीब्यूट है, उसको आप अपने हिसाब से क्या दो 100 पॉइंट्स में से देते जाओ। अगर कोई एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी फीचर, हाँ एट्रीब्यूट यानी फीचर की बात करें, अगर कोई फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है तो रिस्पोंडेंट उसको क्या करेगा, जीरो या नो पॉइंट्स देगा, है ना। सपोज मैं किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है, एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं, सपोज प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, है ना, क्वांटिटी, और क्या हो सकते हैं एट्रीब्यूट, सपोज कलर, प्रोडक्ट का कलर कैसा है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है ना, ये सपोज मैंने आपको क्या दे दिया, आप सब मेरे रिस्पोंडेंट्स हो, मैंने आपको एक प्रोडक्ट के ये सब एट्रीब्यूट्स दे दिए और इन एट्रीब्यूट्स के साथ मैं कंपेयर करना चाहती हूँ उन प्रोडक्ट्स को, तो मैं क्या करूँगी, आपको टोटल कितने पॉइंट्स दे दूंगी, मैं आपको टोटल 100 पॉइंट्स दे दूंगी और मैं बोलूंगी कि आप इन सब एट्रीब्यूट्स को आप 100 पॉइंट्स में से जितनी पॉइंट्स देना चाहो दे दो। तो सपोज आपने पैकेजिंग को दे दिया 20 पॉइंट, क्वालिटी को दे दिया सपोज 50 पॉइंट, प्राइस को दे दिया सपोज आपने अगेन 20 पॉइंट, क्वांटिटी को दे दिया आपने 10 पॉइंट, ठीक है, और कलर को आपने दे दिया 0 पॉइंट। तो ये क्या है, आप अपने हिसाब से एज अ रिस्पोंडेंट आपको जो पॉइंट जिसको देना चाहते हो, जितनी देना चाहते हो, आपके लिए वो चीज कितनी रेलेवेंट है। मेरे लिए क्वालिटी बहुत रेलेवेंट है, प्राइस उतना रेलेवेंट नहीं है, राइट। हो सकता है किसी और के लिए प्राइस ज्यादा रेलेवेंट हो, क्वालिटी उतनी रेलेवेंट नहीं हो, राइट, या किसी के लिए पैकेजिंग इतनी रेलेवेंट नहीं हो सकती। अब जैसे मैंने इसमें क्या कर दिया, कलर को 0 दे दिया, क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से जो कलर एज अ फीचर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको 0 या 9 पॉइंट्स भी दे सकते हो। इफ एन एट्रीब्यूट इज ट्वाइस एज इंपॉर्टेंट एज अनदर एट्रीब्यूट, इट रिसीव्स ट्वाइस एज मेनी पॉइंट्स। आप किसी एट्रीब्यूट को डबल भी दे सकते हो, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटी को 10 दिया है लेकिन प्राइस को 20 दिया है, तो ट्वाइस दिया है ना, डबल दिया है ना उसका, क्यों, क्योंकि मेरे लिए क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज का प्राइस क्या है, राइट। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कॉन्स्टेंट सम वाली टेक्निक के केस में हमें ध्यान क्या रखना है, द सम ऑफ ऑल पॉइंट्स इज 100 एंड दैट इज कॉन्स्टेंट। इसलिए तो इसका नाम क्या पड़ा है, कॉन्स्टेंट सम पड़ा है, क्योंकि आपका ओवरऑल टोटल कितना आना चाहिए, आपका जो टोटल है वो 100 ही आना चाहिए, क्योंकि 100 इज योर कॉन्स्टेंट, राइट। अब आप टोटल करके देखोगे 20 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 100 ही आएगा, राइट। तो यानी मैंने कॉन्स्टेंट सम स्केल को यूज करके कंपेयर कर लिया अलग अलग प्रोडक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स को, और मैंने उस हिसाब से उनको क्या दे दिया, पॉइंट्स दे दी अपने अकॉर्डिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉन्स्टेंट सम स्केलिंग टेक्निक। सो थैंक यू, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड प्लीज, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए सो दैट आप आगे भी लेक्चर्स का बेनिफिट ले सके, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।